हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डोमेन एंड रेंज निकालने की ट्रिक समझी। अभी हम इस वीडियो के अंदर उसी उन्हीं बातों पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि ये चार क्वेश्चंस हैं जो अभी हम वन बाई वन डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं, उसमें क्या बोला था। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो किन दो फंक्शंस के कंपोजिशन से बन रहा है, जिनको आप अच्छे से जानते हो, उन दो फंक्शंस के टर्म में आपको ब्रेक करना है। फिर पहले का रेंज और दूसरे का डोमेन, उनका इंटरसेक्शन निकालना है आपको। फिर ये देखना है कि पहला फंक्शन कब वो सेट वाले आउटपुट दे, जो इंटरसेक्शन आपने निकाला है वो आउटपुट कब पहला फंक्शन देगा, वो एक साथ निकाल लो। ऐसा निकालने से आपको पूरे फंक्शन का डोमेन पता चल जाएगा। और रेंज के लिए आप ये देखो कि जब उसको वो इनपुट मिले, जो इंटरसेक्शन आपने निकाला था वो इनपुट जब उस दूसरे फंक्शन को मिले तो आउटपुट क्या होगा। सही बातें आपको बताई थी। नाउ लेट्स सी उनको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे किसी भी फंक्शन पे। सो डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस फंक्शन के डोमेन एंड रेंज आपको निकालने। सबसे पहली बात जो आपको दिखनी चाहिए कि ये कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहे हैं। तो ये इन दो फंक्शंस के थ्रू कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जो सबसे पहला वीडियो जो बताया आपको कंपोजिशन का, उसके अंदर भी ये बातें हमने डिस्कस की। तो ये इन दो के थ्रू बन रहा है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का आउटपुट उस फंक्शन में इनपुट जाएगा तो ये फंक्शन बनेगा, जो पहला क्वेश्चन है आपको दिया। सो आप सिंपली फॉलो द स्टेप्स। सिंस इन दो का आप अच्छे से जानते हो, तो इनके डोमेन रेंज ग्राफ लिखने में तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए। तो इसका डोमेन है आर, रेंज है दिस वन -1/4 टू इंफिनिटी, उसका डोमेन -1 to 1, रेंज 0 to π। पहला काम आपको करना है इनका इंटरसेक्शन निकालना। इनका इंटरसेक्शन अगर आप निकालोगे तो वो आएगा -1/4 to 1 क्लोज इंटरवल। अब आपको बस ये देखना है कि ये फंक्शन ये वाले आउटपुट कब देगा। तो उसके लिए आपको इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, ये 2 ये 3 ये 5/2 -1/4। तो ये इसका ग्राफ है। आपको ये देखना होगा कि -1/4 to 1 में कब लाई कर रहे हैं। तो -1/4 तो है और 1, ये 1 की लाइन हो गई। तो ये फंक्शन 1 कब होगा ये आपको निकालना होगा। ये निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज अगर एक्स है तो फंक्शन के बेसिक से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होना चाहिए, जो कि फिलहाल 1 है। सो इसे सॉल्व करोगे तो एक्स आएगा आपका इतना। मीन्स ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये 5 प्लस √5/2 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये 5 -√5/2 है। तो आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन -1/4 to 1 में तब लाई करेगा जब एक्स इस पॉइंट से स्टार्ट हो और उस पॉइंट तक जाए। मीन्स 5 -√5/2 टू 5 प्लस √5/2 क्लोज इंटरवल। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इसका डोमेन है। ओके, हमको रेंज भी निकाल लेते। तो रेंज के लिए आपको ये देखना है कि इस फंक्शन को जब ये इनपुट मिले तो आउटपुट क्या देगा वो फंक्शन। उसके लिए आपको उस फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए। उस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है।
ये इसका ग्राफ है, इसको माइनस वन बाई फोर टू वन तक इनपुट मिलेंगे, तो माइनस वन बाई फोर एक्चुअली ये, तो इन इनपुट के लिए आपको आउटपुट देखना है। तो वन का तो पता है आपको, जीरो माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर पे जो आउटपुट है वो है आपका कॉस इनवर्स माइनस वन बाई फोर। तो कहते हैं जब इनपुट माइनस वन बाई फोर टू वन जा रहा है तो आउटपुट जीरो से कॉस इनवर्स माइनस वन बाई फोर तक जा रहे हैं। तो ये इस फंक्शन की रेंज होगी। That's it. ये इस फंक्शन के डोमेन एंड रेंज निकालने का फंडा था, एक एग्जांपल था उन बातों का जो आपको अभी भी बोली। इसी पे हम ये तीन क्वेश्चन और करने वाले। तो अगला क्वेश्चन है sec inverse of cos inverse x। तो इसमें भी वही बात है, आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहे। तो sec inverse x एंड cos inverse x इन दो फंक्शंस के थ्रू बन रहे। पहला फंक्शन cos inverse x होगा, फिर वो sec inverse को इनपुट जा रहा है। इस फंक्शन के अंदर ये दो आपके जाने पहचाने फंक्शन छुपे हुए हैं। अब इनके थ्रू काम कैसे करना है वो आपको बता ही दिया, पूरा का पूरा बस वही फॉलो करना है आपको, नथिंग एल्स। सो इनके डोमेन रेंज ग्राफ प्रॉपर्टीज आप जानते हो, इसका डोमेन माइनस वन टू वन, रेंज जीरो टू फाइव, उसका डोमेन है दिस वन, रेंज So, पहली स्टेप आपको बोली कि आप इनका इंटरसेक्शन निकालो। So, इनका इंटरसेक्शन आप निकालोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। दोनों इंटरवल्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो, कॉमन पोर्शन सेलेक्ट कर लो जो कि वन टू फाइव क्लोज इंटरवल ये आएगा। अब आप बस ये देखो कि ये फंक्शन ये वाले आउटपुट कब देगा, वन टू फाइव वाले आउटपुट। तो उसके लिए आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। इसमें आप क्या चाहते हो कि ये फंक्शन वन टू फाइव वाले आउटपुट कब दे, तो वन टू फाइव बोले तो वन एक्चुअली पाई बाई टू से छोटा होगा, पाई बाई टू अप्रोक्सीमेटली 1.5 समथिंग होता है, सो वन इसके तो नीचे रहेगा, सो वन टू फाइव बोले तो दिस पर। तो आप चाहते हो कि ये वाले आउटपुट आए, तो फंक्शन में ये वाले आउटपुट लाने के लिए इनपुट डिपेंडेंसी माइनस वन से स्टार्ट करना होगा और लास्ट ये देना होगा। ये वो इनपुट है जहां पर कॉस इनवर्स एक्स वन हो रहे, कॉस इनवर्स एक्स वन हो रहे तो एक्स क्या होगा cos 1, उसकी प्रॉपर्टी से आप ये बात निकाल सकते हो। मीन्स ये जो पॉइंट है ये cos 1 होगा दिस वन। सो यू कैन सी कि x अगर माइनस वन से cos 1 तक हो तो ये फंक्शन 1 टू पाई वाले आउटपुट देगा, हेंस यही इस फंक्शन का डोमेन है। माइनस वन टू कॉस वन। नेक्स्ट रेंज के लिए आपको इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है और देखना है कि उसे जब ये इनपुट मिल रहे हैं तो वो आउटपुट क्या देगा। सो अब sec inverse x का ग्राफ ड्रॉ करो।
ये सेकंड बस एक्स का ग्राफ है, इसको इनपुट 1 टू पाई वाले मिले तो आउटपुट क्या होंगे ये आपको बताना है। तो 1 ये रहा और पाई कहीं यहां पर होगा। पाई पर इसका आउटपुट होगा 2nd वर्स पाई। सो यू कैन सी 1 से लेके पाई तक जब इनपुट है तो आउटपुट 0 टू 2nd वर्स पाई तक आ रहे हैं। जब 1 इनपुट तो 0 आउटपुट, 1 के बीच में कुछ, 1 टू पाई के बीच में कुछ, तो ये वाला पाई पर 2nd वर्स पाई। सो 1 से 0 से 2nd वर्स पाई तक के आउटपुट आ रहे हैं। सो रेंज होगी इस फंक्शन की 0 टू sec inverse of pi. That's it. Yes, question ke answers the. Next. So, ekdam same type ki baat hai. Thoda abhi fast nahi rahe. This function ko bhi agar aap ध्यान से देखो तो ये इन दो के कंपोजिशन से बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना था कि वो किन से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। नेक्स्ट फिर जो स्टेप्स बताइए सीधे सीधे वो फॉलो करो। इसका रेंज -1/4 टू इंफिनिटी, उसका डोमेन आर, इनका इंटरसेक्शन दिस वन, जो कि यही आ रहा है इसके रेंज के बराबर। हेंस अब आपको ये देखना है कि ये फंक्शन ये आउटपुट कब देगा, तो वो तो अपना पूरा डोमेन का ही देगा क्योंकि डोमेन रेंज इसकी सेम ही आ रही है इस इंटरसेक्शन के बराबर। हेंस डोमेन तो आप बहुत फास्ट बोल सकते हो इसका आर रेंज। इस फंक्शन को ये इनपुट दो और देखो कि वो आउटपुट कौन से दे रहा है, वही आपको रेंज बोलने। सो उसका ग्राफ ड्रॉ करो। इस फंक्शन को -1/4 टू 1 के इनपुट देने आपको, तो -1/4 आपका दे रहा -1/4 टू इन्फिनिटी तक के इनपुट दे रहे हैं और इन्फिनिटी तो आगे तक, मीन्स ये इनपुट जब मिल रहे तो आउटपुट कहां से कहां तक आ रहा है। तो -1/4 का आउटपुट ये और आगे कैसे 5/2 के -1/4, फिर आगे जा रहे होते हैं यहां से ऊपर तक जा रहे हैं। तो यहां से आउटपुट स्टार्ट हो रहे हैं, नीचे तक आ रहे हैं -1/4 तक और फिर ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो इस फंक्शन के जो आउटपुट है वो -1/4 टू इन्फिनिटी तक के हैं। इस फंक्शन की रेंज होगी -1/4 टू इंफिनिटी। दैट्स इट। ओके नाउ द लास्ट क्वेश्चन। sec इनवर्स ऑफ ln x, ये इन दो फंक्शंस के थ्रू कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ln x and sec inverse x। तो पहले हमने ये समझ लिया कि किन के थ्रू बन रहा है, अब आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है। इसका रेंज है बेटा जाओ, इसका डोमेन है 0 टू इंफिनिटी, रेंज है r, इसका डोमेन बैठा जाओ अंदर जाओ चल। सॉरी बच्चे वगैरह बीच में। सो इसका डोमेन है इतना और रेंज है
सो इनका इंटरसेक्शन निकालोगे आप तो वो यही आएगा। हाँ बेटा हाँ जाओ, ठीक है। तो ये इनका इंटरसेक्शन है, आपको बस ये देखना है कि ये फंक्शन ये वाले आउटपुट कब देगा। तो उसके लिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा आपको। इक्वल टू एल एन एक्स। अब आपको ये देखना है कि ये माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी में कब आ रहे हैं। तो माइनस वन, तो ये वन कब होगा उसके लिए आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। एंड माइनस वन कब होगा उसके लिए, तो एक्स ई और इसके केस में वन अपॉन ई। तो कैसे ये फंक्शन माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन में तब होगा जब x यहाँ पर हो जीरो टू वन अपॉन ई में, और वन टू इंफिनिटी में तब होगा जब x यहाँ पर हो। तो ये इस फंक्शन का डोमेन होगा, जीरो टू वन अपॉन ई यूनियन ई टू इंफिनिटी, ओपन एंड क्लोज इंटरवल का ध्यान रखना है थोड़ा आपको। नेक्स्ट रेंज के लिए आपको ये देखना होगा कि इस फंक्शन को जब ये इनपुट मिले तो आउटपुट क्या होगा। तो वो तो उसका पूरा डोमेन है, हेंस रेंज लिखने में तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। पूरा एज इट इज सिग्नल जो उसकी एक्चुअल रेंज है। सो दैट्स इट, इस तरीके से डोमेन रेंज निकलेगी। थैंक यू।